आज 15 फरवरी हमारा पिछले 24 घंटे में सभी जिले में ट्राई वेदर था। मिनिमम टेम्परेचर सबसे लोएस्ट हुआ है फुलवानी में 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड। साउथ उड़ीसा में कुछ जगह में बिलो नॉर्मल है, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नियर नॉर्मल था। नहीं, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर भी नियर नॉर्मल है, बस कुछ जगह में 2 to 3 डिग्री तक अबव नॉर्मल था। मेनली हमारा जैसा भुवनेश्वर सिटी में भी 3 डिग्री मोर देन अबव नॉर्मल था, 35.4 हाइस्ट था। भुवनेश्वर सिटी में 17.5 हमारा आज मिनिमम टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री बिलो नॉर्मल था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 24 घंटा में मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा, और 24 घंटा बाद फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हल्का से मध्यम बारिश कल इवनिंग और नाइट का तरह होने का चांसेस है। बरागढ़, झारसीगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का में एक दो जगह में होने का चांसेस है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। फिर 17 में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइटनिंग भी हो सकता है कुछ कुछ जिला में, मेनली नोआपाड़ा, बलांगीर, कोलाहिंडी, बौध, सोनपुर, संबलपुर, अंगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर और बाकी जिला में एक दो जगह करके हल्का बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है। फिर 18 को भी हमारा मेनली साउथ इंटर उड़ीसा एडजॉइनिंग एरिया कोस्टल उड़ीसा में भी एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का चांसेस है। 19 को भी रहेगा एक दो जगह में बारिश, मेनली केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, कुल मिलाकर के जो है हमारा 16 इवनिंग व नाइट से शुरू करके 19 तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दो जगह करके उड़ीसा का कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। और भुवनेश्वर सिटी में हमारा मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। मिनिमम टेम्परेचर कल 18 के आसपास रहेगा, आज मैक्सिमम 35 के आसपास होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज का बाद फिर कल भी मेनली डे टाइम मेनली क्लियर स्काई रहेगा, बट 17 मॉर्निंग टुवर्ड्स थोड़ा क्लाउडी स्काई, थंडर एक्टिविटी भी हो सकता है।